किसी के घर पे सूखी रोटी खाई जा रही है, किसी के घर पे माल पुआ बन रहा है। आप बताइए, ये इंसाफ है कहीं का? हम सोच रहे हमारे घर पे खाना क्या बनेगा आज। वो छुट्टियों में शिमला घूम रहा है, टेम्पू वाला, टैक्सी वाला, ऑटो वाला, बताशे वाला भी हमसे ज्यादा पाता है। अगर हम इतनी बड़ी समस्याओं से जूझ कर आए हैं 11 वर्षों से, तो हम ये छोटी मोटी समस्याएं झेल लेंगे, हमारा बच्चा संघर्ष कर लेगा घर पे, लेकिन हम नियमितीकरण का आदेश लेके ही जाएंगे। और जब तक नियमितीकरण नहीं होता है, तब तक समान कार्य समान वेतन। हम भी जानते हैं शासन की प्रक्रिया में समय लगता है, हम भी पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, हम आपको समझ रहे हैं, आप भी हमारे दुख दर्द को समझिए। राजधानी लखनऊ के निषादगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय में अनुदेशकों का दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी है। शिक्षक अनुदेशकों की मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए, लेकिन इससे पहले समान कार्य समान वेतन, आयुष्मान योजना, CCL समेत अन्य लाभ भी दिया जाए। बता दें कि कल यानी मंगलवार सुबह से हजारों की संख्या में शिक्षक अनुदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। मंगलवार शाम DG स्कूली शिक्षा ने अनुदेशकों से मुलाकात करने के लिए बुलाया था, लेकिन अनुदेशकों ने प्रमुख सचिव से मुलाकात करने की बात कही और DG से मुलाकात करने से मना कर दिया। ऐसे में प्रमुख सचिव ने बुधवार शाम को अनुदेशकों को मुलाकात के लिए बुलाया है। वहीं प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अनुदेशकों ने अमृत विचार से बातचीत करते हुए अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। महानिदेशक महोदया से हम लोग बहुत बार मिल चुके हैं, अनगिनत बार मिले हुए हैं, सिर्फ आश्वासन के अलावा हमको कोई घुट्टी नहीं दी जाती है। हर बार जाते हैं, आश्वासन की एक घुट्टी दे देती हैं और फिर बोलती हैं कि आपकी फाइल यहाँ चल रही है, वहाँ चल रही है। तो फाइल चल ही रही है, आज तक फाइल पे काम नहीं हुआ, परिणाम कुछ नहीं मिले एक वर्ष से हम लोगों को, इसलिए हम लोग महानिदेशक महोदया से नहीं मिले कल। तो उन्होंने फिर, उनको भी थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई, उन्होंने सोचा कि इतनी बार से ये लोग मिल रहे हैं, सच में इनकी कोई भी समस्या सॉल्व नहीं हुई है। तो उन्होंने बोला कि हम आपकी प्रमुख सचिव से मिलना चाहते हैं, हम आपको उनसे मिलवाएंगे। तो कल ही उन्होंने हमारे नंबर और जो भी हमारी संगठन था उनके सदस्यों के नंबर लिए और मीटिंग कराने का आश्वासन दिया, और आज उन्होंने बोला है 4:30 बजे हम लोग की बात हुई है और 4:30 बजे हम लोग की मीटिंग होगी उनसे, प्रमुख सचिव सुंदरम जी से। अगर हमारी मांगों पर कुछ नहीं होता है तो हमारे पूर्वांचल के गांधी जी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारे समर्थन में आए हुए हैं, S4 संयुक्त मोर्चा का समर्थन भी हमारे शिक्षकों का भी हमारे साथ में ही है लगातार। अगर हम इतनी बड़ी समस्याओं से जूझ कर आए हैं 11 वर्षों से, तो हम ये छोटी मोटी समस्याएँ झेल लेंगे, हमारा बच्चा संघर्ष कर लेगा घर पे। हम लोग भी अपने बच्चों को घर पे छोड़ के आए हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ संघर्ष करेंगे, हमारे बच्चे वहाँ संघर्ष करेंगे, लेकिन हम नियमितीकरण का आदेश लेके ही जाएंगे। जब तक वो लिखित में नहीं हमको कुछ देते हैं नियमितीकरण के लेके, अगर नियमितीकरण प्रक्रिया में समय लगता है तो वो हमको समान कार्य समान वेतन तब तक लागू करने का आदेश जारी कराएं, तभी हम लोग यहाँ से हटेंगे, उससे पहले नहीं हटेंगे। शोषण हमारा इस तरीके से सरकार कर रही है जैसे कि उसे पता ही नहीं है, पता सब कुछ है, एक एक अधिकारी को पता है, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले क्रमिक अनशन किया है लगातार, DM महोदय द्वारा हम लोगों ने सभी जिलों से ज्ञापन पहुंचाया है मुख्यमंत्री जी तक। तो कोई अधिकारी ये बात तो कह नहीं सकता है कि उनको जानकारी नहीं है हमारे प्रकरण के बारे में, सभी को पूरी जानकारी हमारे प्रकरण को लेकर। तो सभी लोग अभी अधिकारी सावधान हो जाए, अब नियमितकरण हम लोग लेके ही जाएंगे या फिर समान कार्य समान वेतन लेके जाएंगे, और अंतर जनपदीय ट्रांसफर जो महिलाओं का हक है वो उनको देना पड़ेगा, CCL की सुविधा देनी पड़ेगी, मेडिकल की सुविधा देनी पड़ेगी। ये कोई सुविधा हम लोग को नहीं है, ये हम लोग को तभी प्राप्त होगी जब हम लोग नियमित हो जाएंगे। आप नियमित कर दीजिए, हमारी जितनी समस्याएं हैं सबका अंत हो जाएगा, इस शोषण का अंत हो जाएगा, और हम लोग आप जो कहेंगे, ऑनलाइन हाजिरी बोलिए, जो भी आपके आदेश होंगे हम उन सभी का पालन करेंगे, पर 9,000 में आप मत कहिए हमसे। ये 11 सूत्री मांग पत्र था हमारा, एक साल से लगातार हर DM, हर सांसद, हर विधायक, कोई ऐसा बचा नहीं जिसको हमने दिया नहीं, लेकिन किसी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक, एक समस्या भी उसमें हमारी हल नहीं हुई है। तो आप बताइए, इस शोषण के लिए हम लोग यहीं बैठेंगे, नियमितीकरण से ही हमारा सारी समस्याओं का अंत होगा, शोषण का अंत हो जाएगा। तो हम चाहते हैं सरकार हमको, मुख्यमंत्री जी आप नियमावली के आधार पर हमको नियमित कर दें, हम आपसे कुछ ऐसा नहीं मांग रहे हैं जो आप नहीं दे सकते, आपको वही दीजिए जो है, हमारे ऊपर लागू होता है, बस आपसे हम वही चीजें ले रहे हैं। आगे की बस यही रणनीति है कि हम बिना नियमितीकरण का आदेश लिए, झुंझुना लेकर नहीं, क्योंकि ये झुंझुना बहुत पुराना है, लिखित में आदेश लिए बिना हम नहीं जाएंगे यहाँ से, पुनः यहाँ पर रहेगा और ये धरना अनिश्चितकालीन चलेगा। जब तक नियमितीकरण नहीं, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, और उसके बाद इनके पास ये है, या तो हमें नियमितीकरण का आदेश दें, और नहीं तो योगी जी का बुलडोजर जिंदाबाद, हम बुलडोजर के बलि चढ़ने
के लिए तैयार है। बस हमारा यही एक चीज़ है, क्योंकि इतनी हमारी समस्याएं हैं और इनके अधिकारी हमारी किसी भी समस्या में तनिक भर भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। हमारी छोटी छोटी भूल चूक में तो आप इतना बड़ा बड़ा एक्शन लेते हैं और उसकी तुरंत कार्रवाई होती है। 300 रुपया मिलने में तो इतनी देर होती है, कटने में 1 सेकंड की भी देर नहीं होती है। इतने आप निष्ठुर हो गए हैं। हमारी किसी भी समस्या का आज तक समाधान नहीं हुआ और सभी समस्याओं का एक ही समाधान है, नियमितीकरण। और जब तक नियमितीकरण नहीं होता है तब तक समान कार्य समान वेतन। हम भी जानते हैं शासन की प्रक्रिया में समय लगता है, हम भी पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, हम आपको समझ रहे हैं, आप भी हमारे दुख दर्द को समझिए। आप इतने निष्ठुर, इतने संवेदनहीन कैसे हो गए हैं? आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। इतनी महंगाई है, कैसे हम अपना घर चलाएं, कैसे हम स्कूल जाएं, किराया भाड़ा डीजल पेट्रोल खाना दाना सब कुछ कितना महंगा है, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है? 9000 में कैसे हम रह रहे हैं? सिलेंडर देखिए, वो देखिए, सब कुछ। लोगों की नज़रों में तो हम एक सरकारी टीचर हैं और सरकारी टीचर की हमें क्या सुविधाएं मिल रही हैं? आपके कागज़ में हम सरकारी टीचर हैं, लेकिन क्या आप हमको सरकारी टीचर का एक वो सम्मान दे रहे हैं? कोई नहीं। बस हमारी एक ही विनती है, नियमितीकरण। और नियमितीकरण नहीं जब तक तब तक समान कार्य समान वेतन और तुरंत लागू करें। समान कार्य समान वेतन तुरंत लागू करें। स्कूल में कार्य बराबर लिया जाता है लेकिन न समान वेतन मिला। सारे काम हाउस सर्वे BLO का कार्य सारे कार्य हम लोगों से करवाए जाते हैं लेकिन हम लोगों को समान वेतन है। 45-46 किलोमीटर की दूरी हम लोग तय करके स्कूल पहुँचते हैं और हम लोग चार बजे से उठते हैं, हम लोग 6 बजे घर से निकलते हैं और शाम को 6:30 बजे ही घर वापस आते हैं। इतनी बड़ी हम लोगों की नौकरी और रुपये हम लोगों को कितना मिलता है? 9000। 5000 किराया जाता है, 4000 रुपये मिलता है। सिर्फ हम लोग 4000 के लिए सर्विस करने जाते हैं सर इतनी दूर से। इसलिए हम लोगों को सरकार से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि हम लोगों का जब तक नियमितीकरण नहीं होता है तब तक समान कार्य और समान वेतन दिया जाए।